2013 में इंडिया के अंदर 13 टेलीकॉम कंपनीज मौजूद थी, लेकिन जियो के आने के बाद उनमें से आज केवल 3 ही बच पाई हैं। वैसे ही जियो सिनेमा पर फ्री आईपीएल दिखाकर रिलायंस ने केवल 3 महीने के अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स को छीन लिया। आप इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हो, उसका प्रॉफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी को ही पहुंचता है, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वहां तो रिलायंस है ही, लेकिन जहां हमारी नजर नहीं जा रही है वहां भी रिलायंस मौजूद है। इनके अमीरी का अंदाजा आप अनंत अंबानी की शादी से ही लगा सकते हैं, जिसमें कुछ मिनट के परफॉर्मेंस का जस्टिन बीबर को 10 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 83 करोड़ रुपए दिए गए। ये दुनिया की सबसे महंगी शादी थी, जिसने प्रिंस विलियम एंड केट की रॉयल वेडिंग को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रैंड वेडिंग में मुकेश अंबानी ने अपनी टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% ही खर्च किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनके पास इतना अंधा पैसा आया कहाँ से? कैसे रिलायंस हर एक सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, और रिलायंस का ये डोमिनेंस क्या हमारे लिए अब खतरा बनता जा रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी और डाइवर्सिफाइड कंपनीज में से एक है। ये जिस भी सेक्टर में अपना हाथ रखते हैं उस सेक्टर के किंग बन जाते हैं और पानी की तरह पैसा बहाकर अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बनी कैसे? एक्चुअली इस एम्पायर की शुरुआत होती है धीरूभाई अंबानी से, जिसके पास ना तो पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही मोटा बैंक बैलेंस। ये साल 1954 में यमन की नौकरी छोड़कर इंडिया आए और मात्र 500 रुपए लेकर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी की शुरुआत की और पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और कई तरह के मसाले बेचने लगे। धीरूभाई अंबानी की सोच हमेशा आगे की रहती थी। उन्हें समझ आ गया था कि आने वाले दिनों में पॉलिएस्टर की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल की शुरुआत कर दी। ये दौर उनके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स और सरकार की पॉलिसीज इनकी ग्रोथ में रुकावट बन रही थी। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करते रहे। आगे चलकर इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बिजनेस स्ट्रेटजीज ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रिलायंस एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में उभरने लगा। धीरूभाई अंबानी के बदौलत 1976 से 77 के बीच कंपनी का एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद आता है जनवरी 1978, जब धीरूभाई ने 10 रुपए के रेट पर 2.8 मिलियन शेयर्स का आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें 58,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया था। इस सफलता के बाद धीरूभाई ने कई सेक्टर्स में हाथ आजमाया, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। उस वक्त रिलायंस अपने गोल्डन एरा में चल रहा था। तभी 16 फरवरी 1986 के दिन धीरूभाई को हार्ट स्ट्रोक आता है और उनका एक हाथ पैरालाइज हो जाता है। इस हादसे के बाद धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी को इस बिजनेस का कारोबार संभालना पड़ता है। दोस्तों, इनके बिजनेस में अब तक सब कुछ सही चल रहा था, तभी 24 जून 2002 को धीरूभाई अंबानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के वक्त इस कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए था, जो कि फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी शामिल थी। धीरूभाई की मौत के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के नए चेयरमैन बनाए गए और अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाले। दोनों भाइयों ने मिलकर साल 2004 तक इस व्यापार को बहुत ही अच्छे से संभाला। अब यहाँ तक एक चीज तो क्लियर होता है कि मुकेश अंबानी एक विजनरी बिजनेसमैन है। वो हर एक इंडस्ट्री में लीडर हैं, क्योंकि वो हर एक इंडस्ट्री को रेगुलरली स्टडी करके अप टू डेट रहते हैं। और ये सेम चीज आपके करियर में भी अप्लाई होती है। हमें जॉब मार्केट के रिक्वायरमेंट से अप टू डेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आज के जॉब मार्केट के रिक्वायरमेंट है AI। रिसेंटली डेल ने 12,500 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया। जानते हो क्यों? द रीजन वॉज AI। लेकिन ये आपको भी अफेक्ट करे, उससे पहले मैं आपको एक 3 आवर का AI एंड चैट GPT मास्टर क्लास रिकमेंड करूंगा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मास्टर क्लास होने वाली है। ये मास्टर क्लास यूजुअली पेड होता है, लेकिन ये मेरे पहले 1000 ऑडियंस को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में डाल दिया है। इस मास्टर क्लास के अंदर 20+ AI टूल सिखाए जाते हैं, जिसके थ्रू आप बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को इजिली एनालाइज करना, एक्सेल पर्सनल ब्रांडिंग, नो कोड वेबसाइट बनाना और भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चाहे आप टेक से हो या नॉन टेक से, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो, ये वर्कशॉप आप सबके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और इसे 5 स्टार की रेटिंग दी है, तो देर किस बात की? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दिया है, तो जल्दी से जाकर रजिस्टर करो, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पहले 1000 ऑडियंस के लिए ही फ्री में है। दोनों भाइयों ने मिलकर साल 2004 तक इस व्यापार को बहुत ही अच्छे से संभाला, क्योंकि इसी साल नवंबर में पहली बार मुकेश और अनिल अंबानी का झगड़ा सामने आता है। इनके बीच बिजनेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये न्यूज हेडलाइन बनने लगे।
परिवार के कई सदस्यों ने उन्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी इनकी माँ कोकिला बहन ने अपने बिखरते हुए घर को देखकर दोनों बेटों के बीच बिजनेस को दो हिस्सों में बांट दिया। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हो जाता है, जहां बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हाथ लगी रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल गैस और पेट्रोकेमिकल्स, वहीं अनिल अंबानी के हिस्से में एनर्जी टेलीकॉम केमिकल और फाइनेंशियल सर्विसेज आता है। लेकिन इसी समय मुकेश और अनिल अंबानी के बीच एक डील भी साइन हुई कि वो अनिल अंबानी को एनर्जी बिजनेस के लिए सस्ते दाम पर तेल देंगे। साथ ही इनके बीच 10 साल के लिए एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग 2005 से लेकर 2015 तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम, पावर जनरेशन और बाकी के सेक्टर से दूर रहेंगे। ठीक वैसे ही अनिल अंबानी भी पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन के सेक्टर्स में नहीं घुसेंगे। साल 2005 में अनिल अंबानी के पास $45 बिलियन तो वहीं मुकेश अंबानी के पास $49 बिलियन के एसेट थे। धीरे धीरे दोनों भाई अपने कारोबार को बढ़ाते जा रहे थे। जैसे कि साल 2007 से 2008 तक मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ट्रेंड्स की शुरुआत करी। दूसरी तरफ अनिल अंबानी का आरकॉम इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से एक बन चुका था, साथ ही ये एनर्जी सेक्टर के की प्लेयर बन चुके थे। साल 2008 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $43 बिलियन के करीब थी और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में 5वीं पोजीशन पर थे। वहीं $42 बिलियन की नेटवर्थ के साथ अनिल अंबानी छठवें स्थान पर थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक भाई एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, वहीं दूसरे का दिवालिया निकल गया। दरअसल 2009 में आई आर्थिक मंदी के बाद दुनिया भर के अमीरों की संपत्ति में गिरावट आने लगी, जिसमें मुकेश और अनिल अंबानी का नाम भी शामिल था। इसी साल अनिल अंबानी को एक बड़ा झटका लगा जब पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवड़ा ने दोनों भाइयों के बीच हुई उस पेट्रोलियम डील को कैंसिल कर दिया, जिसमें मुकेश अंबानी अपने भाई को सस्ते दाम पर ऑयल बेचने का वादा किया था। उनका कहना था कि इस डील की वजह से भारत के दूसरे एनर्जी प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें उसी तेल का ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। ऐसे में अनिल अंबानी की कंपनी एनर्जी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। इससे अनिल अंबानी की कंपनी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अनिल अंबानी का कहना था कि पेट्रोलियम मिनिस्टर और मुकेश अंबानी आपस में मिले हुए हैं और इन दोनों के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। बाद में इन दोनों के बीच इस मुद्दे ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि इन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े और कोर्ट ने भी मुकेश अंबानी के हित में ही फैसला सुनाया। इस इंसिडेंट के बाद मुकेश और अनिल अंबानी के बीच तकरार और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं कोर्ट के फैसले के दो हफ्ते बाद मई 2010 में दोनों ने अपने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया, जहां ये दोनों लोग अब हर सेक्टर में एक दूसरे से कम्पीट कर सकते थे। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स खत्म होने के बाद उसी साल यानी 2010 में मुकेश अंबानी ने 4800 करोड़ रुपए में इंफोटेल ब्रॉडबैंड नाम की कंपनी के 95% स्टेक को एक्वायर कर लिया, क्योंकि ये इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसे 22 सर्कल्स में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिला था, जिसकी मदद से मुकेश अंबानी बहुत ही कम समय में देश के बड़े एरिया में सर्विसेज दे सकते थे। दो साल बाद इन्होंने इंफोटेल ब्रॉडबैंड का नाम बदलकर रिलायंस जियो कर दिया और इसके नेक्स्ट ईयर यानी साल 2013 में दोनों भाइयों ने अपना सालों का मतभेद भुलाकर साथ आने का फैसला कर लिया। असल में दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास 4G का लाइसेंस था तो वहीं अनिल अंबानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर। कई सेक्टर्स में लॉसेस की वजह से अनिल अंबानी कर्ज में डूब चुके थे। उनकी सिर्फ आरकॉम के ऊपर 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था, इसलिए उन्हें अब पैसों की सख्त जरूरत थी। वहीं मुकेश अंबानी को 4G सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। इस वजह से दोनों भाइयों के बीच 12,000 करोड़ रुपए की डील होती है, जिसके तहत मुकेश अंबानी आरकॉम के 1,20,000 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का यूज कर सकते थे। इस डील से अनिल अंबानी को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला, जिससे वो अपना कर्ज काफी हद तक घटा सकते थे। और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को अपना जियो लॉन्च करने के लिए एक हेड स्टार्ट मिल गया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सर्विसेज को लॉन्च करते, जुलाई 2015 में रिलायंस जियो एक बहुत बड़े केस में फंस गया और उसे सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़े। दरअसल CPIL नाम के एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में जियो के खिलाफ एक PIL दाखिल कर दी थी और आरोप लगाया कि जियो को 4G डेटा सर्विस के साथ वॉइस टेलीफोनी प्रोवाइड करने की भी अनुमति दी गई है, वो भी सिर्फ 165 करोड़ रुपए की एडिशनल फीस पर, जिससे सरकार को 2284 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब इसे मुकेश अंबानी की पावर कहें या किस्मत, ये फैसला भी उन्हीं के फेवर में आया और सुप्रीम कोर्ट ने डॉट के स्पष्टीकरण को मानकर PIL को खारिज कर दिया। 27 दिसंबर 2015 को धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर आखिरकार मुकेश अंबानी ने जियो 4G को लॉन्च कर दिया, जो सिर्फ उनके पार्टनर्स और एम्प्लॉयज के लिए ही अवेलेबल था।
जहां 5 सितंबर 2016 को इसे पब्लिकली अवेलेबल कराया गया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि फ्री सर्विसेज के दम पर कैसे जियो ने एयरसेल, आरकॉम और टाटा डोकोमो जैसी कई टेलीकॉम कंपनीज को मार्केट से खत्म कर दिया। अब मार्केट में केवल 5 टेलीकॉम कंपनीज ही बच पाई थी, जो थी जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन और आइडिया। जियो की मनमानी को देखते हुए आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल ने उसके खिलाफ ट्राई में कंप्लेंट फाइल कर दी। उनका कहना था कि जियो ट्राई के रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहा है और इन फ्री ऑफर्स के जरिए मार्केट से कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मार्केट कंडीशन को देखने के बाद भी ट्राई ने जियो के हित में ही फैसला सुनाया। जियो के लॉन्च के बाद मुकेश अंबानी का कहना था कि वो इंटरनेट को वड़ा पाव जितना सस्ता कर देंगे ताकि हर कोई इसे यूज कर सके। लेकिन आज की हालत क्या है ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। सिर्फ 8 सालों में जियो ने इतनी तरक्की कर ली कि आज ये 46 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया का लार्जेस्ट और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। लेकिन बात सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की ही नहीं है, बल्कि मुकेश अंबानी जिस भी सेक्टर में एंटर किए हैं वो उसे पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिए हैं। वैसे तो रिलायंस ने जियो के साथ ही सितंबर 2016 में जियो सिनेमा को भी लॉन्च कर दिया था, लेकिन इसे काफी लंबे समय तक जियो जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई और इसीलिए मुकेश अंबानी ने साल 2023 में 23,758 करोड़ रुपए में आईपीएल के डिजिटल राइट्स खरीद लिए और जियो की तरह आईपीएल स्ट्रीमिंग को सभी के लिए फ्री कर दिया। एक्चुअली जब हॉटस्टार ने आईपीएल की स्ट्रीमिंग शुरू की थी तो सिर्फ एक साल के अंदर इसका रेवेन्यू 91% से इंक्रीज हुआ था। ऐसे में मुकेश अंबानी को ये समझने में देरी नहीं लगी कि इंडिया के अंदर अगर इस सेक्टर में अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है तो क्रिकेट से आसान रास्ता कुछ नहीं हो सकता। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2023 के आईपीएल से पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास जो 52.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे वो जुलाई 2023 तक आते आते 24% चला गया। वहीं आईपीएल के पहले जिस जियो सिनेमा ऐप का ओपन रेट 53% था वो टूर्नामेंट की वजह से 89% हो गया और जून 2023 तक इसके एक्टिव यूजर्स की संख्या 221 मिलियन को टच कर जाती है। लेकिन दोस्तों फिर वही हुआ जो जियो टेलीकॉम के साथ हुआ था, एक बार बस आदत लगने की देरी थी। जियो सिनेमा ने फौरन ही अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया। दोस्तों मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम और स्ट्रीमिंग सेक्टर के अलावा रिटेल सेक्टर में भी तेजी से एक्सपेंशन किया है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह बिग बाजार का डाउनफॉल है। एक्चुअली बिग बाजार, हाइपर सिटी, फूड हॉल, एबीबी, इजी डे क्लब और हेरिटेज फ्रेश को फ्यूचर रिटेल नाम की कंपनी ऑन करती है। कोविड पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से पूरी मार्केट डाउन चली गई, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट फ्यूचर रिटेल पर भी देखने को मिला। बिग बाजार सहित बाकी कंपनीज के लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि फ्यूचर रिटेल ने अपने कुछ बिजनेसेस को बेचने का फैसला कर लिया था और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने रिलायंस सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे एक्वायर करता, अमेज़न उसकी डील को कैंसिल कर देता है। एक्चुअली नवंबर 2019 में अमेज़न ने 1500 करोड़ रुपए के बदले फ्यूचर कूपन्स नाम की कंपनी के 49% स्टेक को खरीद लिया था। अब फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल के 7.3% का स्टेक था। इसका मतलब है कि अमेज़न को फ्यूचर रिटेल में इनडायरेक्ट शेयर मिल गया था और इस वजह से वो इस फैसले को कंट्रोल कर सकता था कि इस बिजनेस को किसे बेचना है और किसे नहीं। अपनी इसी पावर का यूज करके अमेज़न ने मुकेश अंबानी की इस डील पर रोक लगा दी और ये मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा था कि तभी 17 दिसंबर 2021 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेज़न को एक बड़ा झटका दिया। एक्चुअली CCI ने अमेज़न वो फ्यूचर कूपन्स की डील को ही सस्पेंड कर दिया। उनका कहना था कि फ्यूचर कूपन्स के जरिए अमेज़न फ्यूचर रिटेल पर अवैध कंट्रोल करना चाहता है और इसी का फायदा उठाते हुए 25 फरवरी 2022 को रात के करीब 8 बजे अचानक से रिलायंस के स्टाफ बिग बाजार के स्टोर्स में घुसने लगते हैं और देखते ही देखते रातों रात रिलायंस ने बिग बाजार के स्टोर्स पर कब्जा कर लिया। साथ ही बिग बाजार का नाम बदलकर स्मार्ट बाजार कर दिया। इस पूरे मामले पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना था कि फ्यूचर रिटेल उन्हें 4,800 करोड़ रुपए का किराया नहीं दे पा रही थी, इस वजह से उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था और अब बिग बाजार भी रिलायंस का पार्ट बन जाता है। दोस्तों इसी तरह जब रिलायंस ने देखा कि कोका कोला पूरी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर रूल कर रहा है तो उसने एक समय कोका कोला के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रहे कैंपा कोला को खरीद कर उसे बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया और कुछ इसी तरह नायका के खिलाफ टायरा ब्यूटी को भी लॉन्च किया गया। इस तरह के कई छोटे बड़े कंपटीशन को मुकेश अंबानी ने एक झटके में मात दिया है। हालांकि भारत में एक कंपनी ऐसी भी मौजूद है जो ना तो रिलायंस से कॉम्पीट करती है और ना ही रिलायंस उससे, लेकिन इसमें भी आज चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं टाटा की, जो ना तो खुद कभी ऑयल एंड रिफाइनरी में जाता है और ना ही रिलायंस उसके ऑटोमोटिव सेक्टर में आता है,
पर अब धीरे धीरे मुकेश अंबानी टाटा को भी टक्कर देने की कोशिश करने लगे हैं। जैसे कि रिलायंस ने टाटा क्रोमा के कंपटीशन में रिलायंस डिजिटल को मार्केट में उतारा, वेस्ट साइड के कंपटीशन में ट्रेंड्स और टाटा क्लिक के कंपटीशन में अजियो को लॉन्च किया। इसके अलावा टाटा के बिग बास्केट के सामने जियो मार्ट और तनिष्क के सामने रिलायंस जेवल को उतारा। साथ ही टाटा ने जब 1MG को खरीदा तो रिलायंस ने नेटमेट के मेजोरिटी स्टेक को एक्वायर कर लिया। वहीं टाटा ने जब स्टारबक्स के साथ हाथ मिलाया तो रिलायंस ने ब्रिटिश कॉफी चैंट टाटा मैनेजर के साथ पार्टनरशिप कर ली। एंड बहुत जल्द ये टाटा के वोल्टास को भी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही समय में मुकेश अंबानी वाइजर नाम की एक कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में वोल्टास से कम्पीट करेंगे। पर दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि कभी फ्री सर्विसेज देकर तो कभी सस्ते प्रोडक्ट्स ऑफर करके आखिर रिलायंस ग्रुप सरवाइव कैसे करता है? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है रिफाइनरी। कहा जाता है कि ये कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं बल्कि मुकेश अंबानी के पैसे का कुआं है। साल 2012 से 13 के बीच रिलायंस ग्रुप का 76% रेवेन्यू यहीं से आया था। इस रिफाइनरी से इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है कि पानी की तरह पैसे बहाने के बाद भी इनके फाइनेंसेस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसका बेस्ट एग्जांपल अनंत और राधिका की शादी को भी देख सकते हैं, जिसमें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, वर्ल्ड लीडर्स से लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इवन बॉलीवुड और स्पोर्ट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को देखा गया। इस लग्जरियस वेडिंग में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% के बराबर था। बाकी दोस्तों, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने 45,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनाई, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।